हेलो नमस्कार दोस्तों, 25 जून 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम दो इम्पोर्टेंट द हिंदू के एडिटोरियल्स हैं वो यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं ओवरव्यू के फॉर्म में कि कौन कौन से एडिटोरियल हम यहाँ पे डिस्कस करें। सबसे पहले यहाँ पे जो आर्टिकल है छोटे वाला साइड में, इस आर्टिकल में एक्चुअली बताया गया है यूएन की जो रिपोर्ट आई अभी, स्टेट ऑफ द फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन रिपोर्ट, उस रिपोर्ट के बारे में बताया गया है। जो जो उसके फीचर्स हैं, जो जो हमारे लिए उसमें काम की चीज़ें हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद में ये आता है बैन बड़ा आर्टिकल। ये बड़ा आर्टिकल है, ये एक्चुअली जो आपको पता है कि 2011 में कास्ट सेंसस हुआ था इंडिया में, तो उसका डाटा गवर्नमेंट ने ऑफिशियल तो रिलीज़ नहीं किया, बट उसका डाटा गवर्नमेंट कुछ जगह यूज़ करती है। बट बात ऐसी कि उस डाटा में काफ़ी कुछ खामियाँ हैं, इसलिए गवर्नमेंट उसको रिलीज़ नहीं करना चाह रही है। और अभी जो डाटा यूज़ किया जा रहा है मेनली, ज़्यादातर डाटा जो गवर्नमेंट ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है, वो अंग्रेज़ों के टाइम का डाटा है, वो यूज़ किया जा रहा है। और राइटर के द्वारा बताया गया कि आज के टाइम पर हमारे देश में काफ़ी सारी कास्ट वगैरह हो गई हैं, इवन देखा जाए तो कास्ट हैं वो सब कास्ट में डिवाइड हो गए हैं, जातियाँ उपजातियों में इस तरीके से डिवाइड है वो हुई है। तो उस बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है कि गवर्नमेंट के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अब 2021 में गवर्नमेंट अपनी कमर टाइट कर ले, और इसी के दौरान गवर्नमेंट को सब डिसाइड करते हुए दोबारा से इसे कार्ड सेंसस होगा, तो उस टाइम पे इसका बेनिफिट उठा सकती है कि प्रॉपर डाटा को यूज़ करते हुए पता चले कि हमारे देश में कौन कौन सी कास्ट है, कौन कौन सी उनमें कमियाँ वगैरह हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर गवर्नमेंट स्कीम वगैरह वो चला सकती है। तो राइटर के द्वारा एक कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट को अभी ग्राउंड लेवल पर काम करना चाहिए। अगर 2021 के कार्ड सेंसस करना है गवर्नमेंट को, तो उसके लिए पहले से प्रिपरेशन करनी नहीं होगी। जबकि भी हो क्या रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी प्रिपरेशन अभी तक नहीं की जा रही, केवल गवर्नमेंट आँख बंद करके बैठी है। तो गवर्नमेंट को कम से कम कोई स्टेप तो उठाने चाहिए ना। देखो, गवर्नमेंट जब तक कोई स्टेप नहीं उठाएगी, तब तक कोई एक्शन नहीं लेगी, तब तक कोई फ्रेमवर्क वगैरह नहीं बनाएगी, तब तक कैसे कर पाएगी। तो इसलिए राइटर के द्वारा एक कुछ सजेशंस वगैरह दिए गए। बस यही बात इसमें बेसिकली बताई गई कि कार्ड सेंसस गवर्नमेंट को करने की बात यहाँ पे फोकस किया गया है। फिर नीचे यहाँ पे जो आर्टिकल है, ये वापस फिर काउ प्रोटेक्शन की वाली बात पे है कि मॉब लिंचिंग बढ़ रही है, उस चीज़ को लेकर यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो ऑलरेडी हमने 3-4 आर्टिकल डिस्कस कर लिए हैं, इसमें कुछ भी नया बचा नहीं है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर सकें, तो उसका कोई मतलब नहीं होता अभी यहाँ पे डिस्कस करने का। ये यहाँ पे साइड में जो आर्टिकल है, ये एक्चुअली ओपेक कंट्री और ऑयल प्राइसेस के इश्यूज के बारे में है कि ऑयल प्राइसेस और ओपेक कैसे काम कर रही हैं, तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आर्टिकल है, ये एक्चुअली जम्मू एंड कश्मीर जो भी हालात चल रहे हैं, उन हालात को एक्चुअली यहाँ पे डिस्कस करने के लिए कि जम्मू एंड कश्मीर के हालात हैं वो कुछ ठीक नहीं है, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे कि इस तरीके के सिक्योरिटी इशू हैं वहाँ पे और गवर्नमेंट को क्या स्टेप है वो उठाने हैं। यहाँ पे आपको मंडे पता है कि ये कोई आर्टिकल मंडे को आर्टिकल आते हैं, इस आर्टिकल में समरी होती है, तो कुछ काम का नहीं है लास्ट आर्टिकल्स के बारे में कि कौन सा कैसा था क्या वगैरह थे, तो वो हमने ऑलरेडी हम डिस्कस ही कर लिए हैं। ये दोनों आर्टिकल कुछ काम के हैं नहीं हमारे लिए इंडिया के नज़रिए से, तो अब हम डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, अब हम देखते हैं सबसे पहले जो हमारा मेन छोटा वाला आर्टिकल था साइड में, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ताकि जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होते थे उनको हम एक एक करके यहाँ पे अपटेक कर लेंगे, और फिर उसके अकॉर्डिंग उनको हम यहाँ पे डिस्कस है वो करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले बात आती है इस आर्टिकल में जो कंटेक्स्ट है वो देख लेते हैं, सीन क्या है। यूनाइटेड नेशन की स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट आई थी अभी, इस रिपोर्ट के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया कि भाई इस रिपोर्ट में कहा क्या क्या गया है और इंडिया को क्या करना है और इंडिया के हालात क्या हैं, ये बात यहाँ पे की गई है। तो देखो, आपको सीधा सीधा बताऊं, दो चीज़ें आपको तो पता ही है, जैसे कि एक तो पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में पता है कि 2030 तक अचीव करने हैं, उसके अंदर भूखमरी आप बोल सकते हो वो भी एक अहम रीजन है, भूखमरी को भी उसमें इंक्लूड है वो किया गया है, तो उस बात पे यहाँ पे फोकस किया गया है और दूसरी रिपोर्ट का डाटा दिया गया है। देखो, और आर्टिकल के जो राइटर का ये कहना है कि जो न्यूट्रिशन पॉलिसी है ना, उसको भी अपडेट करने का एक मौका है, क्योंकि यूएन ने जो रिपोर्ट पब्लिश किया ना, इससे सभी कंट्रीज़ को अपना पता चल जाएगा कि उनकी हालत कहाँ पे, कहाँ वो पीछे हैं, कहाँ वो आगे हैं, कौन कौन से सेक्टर में उन्हें अच्छे स्टेप उठाने हैं, स्पेशली न्यूट्रिशन के सेक्टर में। तो इसीलिए सभी कंट्रीज़ को मेरे लिए न्यूट्रिशन की जो पॉलिसी है उसको अपडेट करना चाहिए जैसी उनकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उनके पास अब डाटा आ गया कि हाँ भाई इतने लोग भूखे मर रहे हैं, इतने इतने ये इश्यूज़ हैं, तो उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उनकी जो न्यूट्रिशन की पॉलिसी है वो बना सकती है दोबारा से और उसको अपडेट कर सकती है और उसके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसी वगैरह ला सकती है, ये बात यहाँ पे की गई है। बट फिर आर्टिकल में थोड़ा सा एक डाटा दिया गया है जिसका आप कहीं यूज़ कर सकते हो। आर्टिकल में बताया गया है कि 2000 से लेके 2013 का जो टाइम पीरियड था ना, नहीं 2016 तक का आप ले लो, मतलब 2000 से लेके 2016 तक का जो टाइम पीरियड है, इसमें अगर देखा जाए तो भूखमरी वो कम हुई थी। भूखमरी कम होने का मतलब, जैसे कि इस साल ये मान के चलो कि 100 लोग भूखे मरे हैं, तो अगले साल 80 भूखे मरे हैं, फिर अगले साल 70, मतलब इस तरीके से भूखमरी कम होती जा रही थी। ये इस तरीके से इसमें डाटा वो दिया गया। आपको ये डाटा देखो रटने की कोई जरूरत नहीं है, स्पेशली आपको बता दूँ कि इतना डाटा आपको एग्जाम में याद भी नहीं रहता है,
तो इसलिए आप मत पढ़ना, बाकी अगर आपकी इच्छा हो तो एक बार देख सकते हो। तो ये बात यहाँ पे देखिए कि देखो 2000 से लेकर 2016 तक तो हो रहा था कम, बट इसके बाद क्या हुआ, 2016 के बाद जो देखा गया ना भूखमरी का डाटा, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं न्यूट्रिशंस के मामले की गड़बड़ी सामने आ रही है कि 2016 के बाद पूरे विश्व में भूखमरी बढ़ रही है। देखो इसके रीज़न क्या हो सकते हैं, इसके काफ़ी सारे रीज़न हैं और जिसमें एक सबसे अहम रीज़न है वो है क्लाइमेट चेंज। क्योंकि इस रिपोर्ट में एक चीज़ क्लियर हुई है कि जिन एरिया में क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट ज़्यादा पड़ा है ना, उन एरिया में भूखमरी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। मतलब वहाँ पे लोग भूखमरी से ज़्यादा पीड़ित हैं। इसके बाद देखा जाए तो सिविल वॉर की बात, जैसे कि आपको पता है यमन में सिविल वॉर चल रहा था, तो वहाँ की बात की जा रही है कि सिविल वॉर चल रहा है तो ऑब्वियसली फूड सिक्योरिटी का इशू आ जाता है। तो वो बात यहाँ पर बताई गई कि फूड सिक्योरिटी के जो सिविल वॉर हो रहा था इसकी वजह से भी फूड सिक्योरिटी का इशू हुआ है। इसके बाद में आता है इकोनॉमिक इशू कैसे होता है। देखो अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी ठीक ठाक काम नहीं कर रही है, बेचारे की हालत खस्ताहाल हो गई है, तो वो कहाँ से लोगों को खाना प्रोवाइड करेगी, तो एक ये रीज़न आ गया। इसके बाद में आज के टाइम पे एग्रीकल्चर में आपको पता है काफ़ी इनरेगुलरिटी आ गई है, बारिश वगैरह का कुछ भी नहीं पता होता है, तो ऐसे मामलों में एग्रीकल्चर है उसमें भी लगातार प्रोडक्शन में लॉस होता जा रहा है, तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं भूखमरी बढ़ रही है। इसके बाद में बात आती है रिवेन्यू। देखो अगर गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कम होगा तो गवर्नमेंट ऑब्वियसली जो PDS वगैरह जैसी चीज़ें इन पर पैसा कम खर्च कर पाएंगी, तो ऐसे माहौल में होगा क्या कि भूखमरी बढ़ेगी। तो ये सारे कुछ रीजंस दिए गए हैं कि इन रीजन की वजह से भूखमरी है वो मेनली बढ़ी है, ये यहाँ पे है। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात ये बताई गई है कि क्लाइमेट चेंज जहाँ जिन एरिया में बढ़ा है ना वहाँ पर भूखमरी ज़्यादा बढ़ी है, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद में एक ये चीज़ सामने आई है कि हर 4 बच्चों में से एक बच्चा वो स्टंटिंग से पीड़ित है। ये रिपोर्ट में सामने आया कि हर 4 बच्चों में से एक बड़ा बच्चा स्टंटिंग से पीड़ित है। स्टंटिंग का मतलब ये है एज के अकॉर्डिंग बच्चे की हाइट है वो नहीं बढ़ पा रही है, ये चीज़ सामने आई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो इन सारे डाटाओं से हमें एक चीज़ समझ में आ गई ये रीजन्स वगैरह से कि इनइक्वलिटी या असमानता है ना वो कम नहीं है, वो बढ़ती जा रही है। इसके लिए हमें कुछ ना कुछ स्टेप उठाने होंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट हमने रख लिए थे कि 2015 से लेकर 2030 तक हम अचीव करेंगे इस टाइम गैप में। बट जो डाटा अभी सामने आया है ना यूनाइटेड नेशन की जो स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट में, ये डाटा तो कुछ उल्टा ही बता रहा है। इस डाटा के अकॉर्डिंग तो भाई हम 2030 तक के हम तो काफ़ी और टाइम बाद भी अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भूखमरी घटने की बजाय बढ़ और रही है। तो अगर भूखमरी बढ़ेगी तो भाई ऑब्वियसली आप खुद जानते हो कि भूखमरी बढ़ने के बाद कम कहाँ से होगी, जबकि गवर्नमेंट का प्लान नहीं है, इवन गवर्नमेंट का नहीं यूएन का सभी ने प्लान कर रखा है कि 2030 तक तो हमें भूखमरी ख़त्म करनी है। भाई ख़त्म तो तब होगी ना जब लोग हैं उनको एक्चुअली आप खाना प्रोवाइड करवाओगे या लोग इजीली खाना एक्सेस कर लेंगे, बट अभी तो यहाँ पे खाने की इशू बढ़ती और जा रही है, तो करने की बजाय तो उल्टा बजा रहा है। जैसे ये बात होगी कि जाना हमें इस डायरेक्शन में, जबकि हम जा इस डायरेक्शन में रहें तो कहीं ना कहीं इससे नुकसान हमें होने वाला है, ये बात यहाँ पे बताई गई है। इसके बाद में देखो बात ये आती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो बातें की गई है ना और जो भूखमरी का टॉपिक आता है इसके साथ जीरो हंगर की जो बात की गई है उसे हम कहीं हद तक अगर पहुंचना है तो हमें बहुत सारे स्टेप उठाने होंगे, क्योंकि आज के टाइम पे जो वेदर या बोल सकते हो क्लाइमेट है वो इनरेगुलर हो गया है, हमारे एक तरीके से हमारे फेवर में नहीं रहा एक तरीके से, तो हमें इसके लिए काफ़ी सारे और स्टेप उठाने होंगे और हमें बहुत बड़े लेवल पर इस पर काम करने की ज़रूरत है। अब देखते हैं इंडिया का सीन कि इंडिया के अंदर कौन सी पॉलिसी क्या हालात चल रहे हैं। भाई इंडिया की बात ऐसी है, देखो गवर्नमेंट ने आप बोल सकते हो कि भूखमरी से निपटने के लिए एक बहुत अच्छा प्रोग्राम चला रखा था, वो था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत लोगों को फ्री में PDS वगैरह देना। बट राइटर ये बता रहे हैं कि देखो इंडिया की जो रिपोर्ट है उनसे ये चीज़ सामने हुई है कि इंडिया में लगभग 53% जो वुमेन है ना वो एनीमिया से पीड़ित है। मतलब उनको कहीं ना कहीं पर्याप्त जो खाना मिलना चाहिए, जो उनको क्वालिटी मिलनी चाहिए खाने की, वो नहीं मिल पा रही है। और आप लोगों ने भी कई बार देखा है कि PDS के अंदर आता है कि खाने के अंदर छिपकली आ गई है, ये वगैरह आ गया, तो वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को शो कर रही है ना कि कहीं ना कहीं हम पीछे हैं। इसके बाद में एक चीज़ आती है कि 15% लोग ऐसे हैं हमारे देश में, लगभग 14.5 के आसपास हैं, कि जिनको लगभग खाना ही नहीं मिल रहा है पर्याप्त, मतलब जितने खाने की जरूरत है वो खाना ही नहीं मिल पा रहा उन लोगों को। तो इन दो चीज़ों से ये चीज़ अच्छी वाली क्लियर हो गई है कि भाई हमारा भी जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है जिसका ये मोटो है कि भाई सब लोगों को खाना है वो मिल सके, एटलीस्ट भूखमरी वगैरह ऐसा इशू ना हो, बट इस एक्ट में भी कुछ ना कुछ काफ़ी कमियाँ हैं, इसकी वजह से हम हमारे टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। हमारे लिए काफ़ी शर्मनाक बात है कि हम वुमन एम्पावरमेंट की तरफ स्टेप तो उठा रहे हैं, बातें कह रहे हैं, बट हम उतना काम नहीं कर पा रहे हैं जितना हमें ज़रूरत है। क्योंकि देखा जाए तो लगभग आधे से ज़्यादा महिलाएं हैं जो कि एनीमिया ब्लड की कमी से पीड़ित हैं, ये हमारे लिए काफ़ी चिंताजनक बात यहाँ पे सामने साबित होती है। इसके बाद में देखो इश्यू क्या है कि क्यों ये काम ढंग से नहीं हो पा रहा है। इसका इश्यू एक तो ये है कि गवर्नमेंट जो भी फूड पॉलिसी वगैरह है ना उनको प्रॉपर ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही है, या आप बोल सकते हो कि गवर्नमेंट वो ग्राउंड लेवल पर काम नहीं कर पा रही है। इसके बाद में अवेयरनेस एक बहुत बड़ा इश्यू है। देखो
गाँव में मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं होता कि कब वहाँ पे जो राशन का स्टोर होता है, वहाँ पे किराना मतलब जो राशन का स्टोर होता है वहाँ पे राशन आता है कब जाता है, उन्हें पता ही नहीं होता, ना ही उनको अवेयर होता। और यूँ काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जिनके पास ना राशन कार्ड वगैरह ना कुछ और चीज़ें हैं, तो ऐसे लोग वो PDS का खाना लेंगे कहाँ से? तो इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है, गवर्नेंस कहीं ना कहीं ढीला रह रहा है, इसके साथ पॉलिसी को ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। इसके साथ एक अहम रीज़न जो आपको बताया कि मोस्ट फेवरेट रीज़न होता है, वो होता है करप्शन, कि हर जगह इतना करप्शन होता है पूछो मत, कि करप्शन की वजह से लोगों को खाना ही नहीं मिल पाता है। इवन देखा जाए तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो PDS की दुकान होती है वहाँ पे जो सामान है वो पहुँचने से पहले ही सामान बेच देते हैं वो लोग। तो ये इश्यू क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि कहीं ना कहीं काम ढंग से हो नहीं पा रहा है, कुछ ना कुछ इश्यू हो जाए, करप्शन बढ़ता जा रहा है। इसके बाद में एक और जो अहम रीज़न सामने आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट, वो आ रहा है नो पॉलिटिकल। हमारे जो पॉलिटिशियन है ना उनके अंदर एक विल पावर दिख ही नहीं रही है कि वो इस चीज़ के लिए काम करें, क्योंकि वो इस मुद्दे को इतना हाईलाइट ही नहीं करते हैं। वो और बहुत के मुद्दे हैं उनको हाईलाइट करते हैं कि हम सब्सिडी देंगे, हम आपको ये बनवा के देंगे, हम आपको ये करेंगे, उन चीज़ों पे वो फोकस करते हैं, ना कि इन अहम चीज़ों पे। भूख मेरी को निपटाना है तो ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल विल की भी हमें एक अहम जरूरत है। तो ये सारे इश्यूज हैं हमारे पास इंडिया में, तो इंडियन गवर्नमेंट को या इंडिया के लोगों को इन चीज़ों को दूर हो करना होगा। इसके बाद में देखो एक बात आती है अहम, कि हमें स्टेप क्या उठाना है। स्टेप उठाने की देखो बात ऐसी है कि गवर्नमेंट को जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है ना उसको पहले सर्वे के अकॉर्डिंग देखना चाहिए कि भाई जरूरत है कहाँ पे और कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी चाहिए। ये तो देखो जितने भी स्टेट वगैरह है ना, देखो हर स्टेट का एक अलग अलग इशू होता है। कुछ एरिया में कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे क्या कि PDS है वो मिल नहीं पा रहा लोगों को, कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे क्वालिटी नहीं मिल पा रही है। तो मतलब हुआ क्या कि PDS तो सबको चाहिए, कोई बात नहीं, इसमें खाना सबको चाहिए, बट क्या है कि हर एरिया की डिमांड अलग अलग है। तो डिमांड के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को स्कीम बनानी चाहिए कि यार उस एरिया में कौन सी स्कीम हो काम करेगी, उसके लिए हम कैसे लोग वगैरह बना सकते हैं। तो उसके आधार पर गवर्नमेंट का मोटो बनाना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि नीति आयोग का टारगेट क्या रहता है, बॉटम टू टॉप अप्रोच रहती है नीति आयोग की, कि बॉटम पर देखा जाता है कि हाँ भाई लोगों की डिमांड ऐसी है, इसके आधार पर नीति आयोग पॉलिसी बना के काम करता है। तो उसी कॉन्सेप्ट पर गवर्नमेंट को फोकस है, वो करना चाहिए। इसके बाद में बात आती है अवेयरनेस की। तो अवेयरनेस की बात ऐसी कि गवर्नमेंट ने जिस तरीके से जनधन आधार मोबाइल चीज़ें चलाई हैं, तो इसी तरीके से गवर्नमेंट को मैसेज वगैरह के थ्रू PDS की इन्फॉर्मेशन वो देनी चाहिए, और एक ऐसी डेट हो कि भाई उसके बीच में लोगों को आराम से खाना वगैरह मिल जाए। इसके बाद में बात आती है करप्शन की। देखो करप्शन से निपटना है तो उसके लिए एक तो ये काम है कि काम है वो डिजिटल हो सके, और डिजिटल होने के साथ लोगों को सुविधाजनक भी होना चाहिए। अब देखो आपने काम डिजिटल कर दिया, अब नेटवर्क वहाँ पे आ नहीं रहा है, तो ऐसा थोड़ी कि वो लोग हम एक तरह से बिना PDS दिए घर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसका सोल्यूशन होना चाहिए ना, कि भाई नेटवर्क नहीं, नेट नहीं आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन हो उस चीज़ का। तो इसके लिए या तो क्रॉस चेक गवर्नमेंट अरेंज करे कि हाँ भाई जिन लोगों को खाना नहीं मिला वो क्रॉस चेक वगैरह देखे, या फिर कुछ ना कुछ अपडेशन वगैरह कोई नहीं ऐसी मैकेनिज्म गवर्नमेंट को लेके आनी चाहिए, ताकि उसका प्रॉपर सोल्यूशन निकाला जा सके करप्शन का। इसके बाद में आते हैं पॉलिटिकल व्हीकल। देखो पॉलिटिकल व्हील की बात ऐसी है कि हमारे देश के पॉलिटिशियन को इस मामले में एक साथ आगे आना होगा और इस दिशा में कदम भी बढ़ाने। ऐसा नहीं है कि कोई बात करते थे कागजों में कि हाँ हम भाई खाना देंगे, हम ये करेंगे, बट काम कुछ नहीं होता है। उस चीज़ को देखा जाए, देखो आपको एक चीज़ बताता हूँ, खैर आर्टिकल में नहीं दी गई है, ये साउथ इंडिया के मामले में मेनली चेन्नई में मैंने ये चीज़ देखी थी, कि वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ के जो लोकल पॉलिटिशियन होते हैं ना, वो वहाँ की जो भी PDS वगैरह की दुकानें होते हैं वहाँ पे आके टाइम टू टाइम चेक करते हैं कि PDS आया कैसा है, कैसी उसकी क्वालिटी है, और कई बार वो अपनी देख रेख में सामान वितरित है वो करवाते हैं। जबकि ऐसा हमने हमारे नॉर्थ इंडिया में बहुत कम ही देखा है, मतलब मैंने तो कभी नहीं देखा है। तो इस तरह के गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ स्टेप उठाने चाहिए ना, ताकि थोड़े क्या पॉलिटिकल देखो विल रहेगी ना, तो लोग ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट रहेंगे। इसीलिए साउथ इंडिया में जो पॉलिटिशियन वगैरह हैं वो ग्राउंड पे काम करते हैं, और इसीलिए वो ज्यादा पॉपुलिज्म को बढ़ावा देते हैं। तो देखो पॉपुलिज्म का कॉन्सेप्ट अलग है, बट मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि पॉलिटिशियन है उनको अवेयर होना होगा, तभी प्रॉपर सॉल्यूशन इस चीज़ का है वो निकल पाएगा। इसके बाद में देखो बात ऐसी है कि हमारे पास अभी राइट टाइम आ गया है कि हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। इसके साथ ही नीति आयोग की काफ़ी सारी रिपोर्ट है, उनके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए और उनको इंप्लीमेंट भी करना चाहिए। फोकस करने के साथ साथ इंप्लीमेशन बहुत जरूरी हो जाती है। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल, काफ़ी अच्छे इसके पॉइंट हैं। अब चलते हैं हम आगे। आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो आर्टिकल हमने डिस्कस किया है इसके क्वेश्चन आपको अनअकैडमी की वेबसाइट है वहाँ पे मिल जाएंगे, उसका लिंक है, आप फेसबुक का जो पेज है वेलकम UPSC वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक है मिल जाएगा। अगला आर्टिकल है वो है ऑयल प्राइसिंग के बारे में। देखो ऑयल प्राइसिंग के सीन क्या है, ऑयल प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट होता है डिमांड और सप्लाई का, ये चीज़ आप काफ़ी अच्छे से जानते हो। बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं हमारे डेली मार्केट लाइफ का ही। देखो जब भी मार्केट में आप सब्जी वगैरह कुछ भी लेने जाओ, तो बेसिक देख लो, अगर किसी दुकान पे एक पे ही टमाटर मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली वो जितने रुपए बोलेगा लोगों को उतने में खरीद के लेके जाना होगा। वो बोलेगा कि 100 रुपये के लिए टमाटर तो आप 100 में ही खरीदने पड़ते हैं जिसको जरूरत है वो। तो वो वाले कॉन्सेप्ट है कि अगर डिमांड ज़्यादा है सप्लाई करने वाले कम है, तो मतलब क्या होगा, ऑब्वियसली डिमांड वाले की वैल्यू बढ़ जाएगी, उस चीज़ का मतलब क्या होगा,
उसका वैल्यू सीधा सीधा ये होगा कि प्रॉफिट खूब बढ़ेगा। तो वाला एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो रहा है। ऑयल जो प्रोड्यूस करने वाली कंट्रीज हैं उन्होंने एक अपना ग्रुप या एक कार्टल बना रखा है जिसका नाम है ओपेक। या आपको पता है कि ओपेक एक तरीके से ऑयल प्राइस को कंट्रोल करने के लिए ग्रुप है वो बनाया गया है जिसमें जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वो इसमें शामिल हैं। तो वो क्या करती हैं, उनको पता है, देखो कुछ टाइम पहले ये हुआ था कि ऑयल प्राइस है वो काफ़ी कम हो गई थी, उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा था। अब आपको पता है कि सऊदी अरब हुआ या फिर बाकी और भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे, जी वेनेजुएला वगैरह, इन कंट्रीज़ की जो मेन इकोनॉमी है वो ऑयल पे डिपेंड करती है। अब भाई उनके ऑयल प्राइस ही कम हो जाएंगे तो उनको प्रॉफिट नहीं होगा तो वो जिंदा कैसे रहेंगी या कैसे सर्वाइव करेंगी। इसलिए उन्होंने ग्रुप बना लिया ओपेक ग्रुप, और इस ग्रुप का मेन मोटिव था कि उनको डिसाइड कर लिया उन्होंने कि जैसे भाई मार्केट में ऑयल हम इतना ही प्रोड्यूस करेंगे डेली ताकि डिमांड बनी रहे अच्छी खासी और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट है वो भी होता रहे और हमारा मामला सेटलमेंट रहे। बट आज आपको पता है कि इस टाइम पे जो सभी कंट्रीज़ को एनर्जी की काफ़ी रिक्वायरमेंट है, सभी कंट्री को एनर्जी की जरूरत है, तो ऐसे मामलों में ऑयल है उसकी डिमांड है वो बढ़ जाती है ओब्वियसली। अब डिमांड तो बढ़ रही है जबकि सप्लाई किसके हाथ में है, सप्लाई तो ओपेक कंट्री के हाथ में है। अब ओपेक कंट्री एक लिमिटेड तेल प्रोड्यूस कर रही है, वो बात है कि एक अनार सौ बीमार वाली कहानी होगी है, तो उस कंट्री में ओब्वियसली ऑयल प्राइस बढ़ेंगे और वही कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पे हो रहा है। तो ऐसे माहौल में अभी काफ़ी सारी कंट्रीज इवन डेवलप और डेवलपिंग दोनों को नुकसान हो रहा है। ऐसा नहीं कि डेवलपिंग को नुकसान ही हो रहा है डेवलप को नहीं हो रहा है, यूएसए जैसी कंट्री को भी नुकसान हो रहा है, यूके जैसी कंट्री को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि ऑयल तो सभी कंट्री के लिए काफ़ी अहम हो जाता है। तो इसके लिए सभी कंट्रीज़ अपने लेवल पे ग्राउंड लेवल पे काम हो कर रही थी, देखा जाए तो बाकी कंट्री के साथ एक तरीके से नेगोशिएशन वगैरह करने की कोशिश कर रही थी ताकि बातचीत के द्वारा ऑयल वगैरह को थोड़ा प्राइस वगैरह को मेंटेन हो किया जा सके। तो अभी रिसेंटली सऊदी अरब में एक्चुअली ऑयल प्राइस है उसको मतलब ऑयल उन्होंने प्राइस को कम करने के बाद उन्होंने ये कहा कि हम ऑयल है उसकी सप्लाई बढ़ा देते हैं। तो आपको पता है कि ऑब्वियसली सप्लाई बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली एक तरीके से डिमांड घटेगी, डिमांड घटते ही प्राइस है वो कम हो जाएंगी, ये सीधा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो सऊदी अरब ने कहा कि अब हम ऑयल प्रोड्यूस है वो थोड़ा ज़्यादा करेंगे, तो उस वाली बात पे यहाँ पे ये बताया गया है। फिर देखो लास्ट में आर्टिकल के द्वारा ये कहा जा रहा है कि देखो सऊदी अरब ने कह तो दिया कि हाँ हम भी ऑयल प्राइसिंग ऑयल जो प्रोड्यूस करेंगे वो ज़्यादा करेंगे ताकि ऑयल प्राइसिंग है मार्केट में थोड़ी कम हो जाए। बट आर्टिकल के द्वारा कहना है कि देखो इसमें इन्होंने कोई करेक्ट डाटा नहीं दिया कि हम इतना तेल प्रोड्यूस कर रहे हैं अभी और हम इतना और बढ़ा देंगे, ये वगैरह उन्होंने कुछ नहीं बताया। इसके साथ ही अब बताया जा रहा है कि इस जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि सऊदी अरब अपने प्लान लेके आया कि भाई हम ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, तो इससे ईरान को लॉस हो सकता है क्योंकि ईरान के पास अभी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाए। अगर वो ऑयल प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएगा तो ऑब्वियसली बेसिक सी बात है उसका प्रॉफिट घटेगा और सऊदी अरब का प्रॉफिट भी बढ़ सकता है, ये बात यहाँ पे बताई है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारा कॉन्सेप्ट वो हमने डिस्कस कर लिया, चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल जम्मू एंड कश्मीर की सिक्योरिटी हालात के बारे में कि भाई वहाँ पे हालात चल कैसे रहे और क्या उसके लिए स्टेप वगैरह उठाए जा सकते हैं। एक सेकंड, हाँ इस आर्टिकल में देखो जम्मू एंड कश्मीर की सिक्योरिटी का थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं तभी सारा सिनेरियो हमें समझ में होगा। रमजान का आपको पता है अभी महीना चल रहा था, ईद आई थी, उसी मौके पे आपको पता है कि सीज़ फायर की बात की गई थी एक वीक के लिए कि भाई सीज़ फायर कर लेते हैं ताकि शांति से हम ईद वगैरह मना लें, ये सीन है वो चल रहा था। बट हुआ क्या, इसी दौरान सीज़ फायर का उल्लंघन हुआ और अटैक हो गए, अटैक पे अटैक होते गए और इस दौरान एक जर्नलिस्ट थे जम्मू एंड कश्मीर में उनकी हत्या कर दी गई। इसके साथ ही आपको पता है कि जो हमारे एक जवान थे सेना के जवान औरंगजेब उनकी भी हत्या है वो कर दी गई थी, उन शहीद है वो हो गए, ये सारा सीनेरियो वहाँ पे हुआ। तो आपको पता है कि ऑब्वियसली गर्मा गर्मी तो होनी थी ऐसे मौके पे और इस तरीके से वहाँ पे जो ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा था उसको काफ़ी सारी दिक्कत भी आई और उस तरीके को एक बार काफ़ी सारा नुकसान का मतलब ये है कि देखो काफ़ी गड़बड़ हो गई ऐसे मौके पे, ये सारा सीन वहाँ पे अभी रिसेंटली हुआ। अब यहाँ पे बात की जाती है कि भाई पाकिस्तान की टेरर पॉलिसी, देखो पाकिस्तान का एक ही कॉन्सेप्ट है, ना तो खाओ ना किसी को खाने दो और ना किसी को ढंग से रहने दो। तो पाकिस्तान क्या करता है, लगातार जम्मू एंड कश्मीर को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि उसकी पॉलिसी ऐसी है कि भाई इसको डिस्टर्ब करते रहो कुछ काम तो है नहीं। वो कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, वो वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि पाकिस्तान का खाली दिमाग का काम कुछ है नहीं ना कुछ कर रहा है, तो इसीलिए कॉन्सेप्ट है कुछ ऐसा होता है। इसके साथ जो पाकिस्तान की टेरर पॉलिसी उसका मेन अड्डा क्या है कि भाई जम्मू एंड कश्मीर में बस शांति नहीं होनी चाहिए, अगर यहाँ पे शांति होगी तो हमें कोई नहीं पूछने वाला, और पाकिस्तान इसी मुद्दे पे लगातार काम कर रहा होता है और लगातार अपनी प्रेजेंस दिखाता रहता है कि हाँ भाई देखो हम भी जिंदा हैं, हम भी यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी है वो कर रहे हैं। अब राइटर के द्वारा कहा जा रहा है कि देखो बॉर्डर है उस पर भी शांति की काफ़ी ज़रूरत है क्योंकि अभी देखा जाए तो बॉर्डर पे भी काफ़ी टेंशन है वो हो गई थी ऐसे माहौल में, तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ स्टेप उठाने होंगे। देखो एनी टाइम लड़ाई से कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता, ये चीज़ ये सबको पता है कि लड़ाई से एक लिमिट के बाद सोल्यूशन नहीं होता है,
अब वहाँ पे बात की जा रही है कि राइटर के द्वारा एक सजेशंस वगैरह दिए जा रहे हैं कि देखो जो लोकल कमांडर होते हैं ना, जैसे कि मान लो आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट है, स्टेट के अंदर आपको पता है कि जगह जो छोटे छोटे एरिया होते हैं तो वहाँ पर लोकल कमांडर होते हैं जिनकी हेड जो अपनी सारा काम अपनी देख रेख में वहाँ पर एक तरीके से आप बोल सकते हो कि बॉर्डर का कंट्रोल या रेगुलेट वगैरह करते रहते हैं। तो राइटर के द्वारा कहा जा रहा है कि देखो जो जैसे ये पाकिस्तान और जम्मू एंड कश्मीर की बाउंड्री है, तो इस वाले एरिया में जैसे लोकल जो कमांडर हो गए ना, इंडिया के लोकल कमांडर, पाकिस्तान के लोकल कमांडर इस एरिया के, उनको आपस में बातचीत करनी चाहिए। देखो जब ये लोग आपस में बातचीत करेंगे और इनके बीच में आपस में शांति रहेगी तो ऑब्वियसली ये लड़ाई को नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि लड़ाई तो स्टार्ट यहीं से होती है ना, बॉर्डर से ही। अगर ये लोग यहाँ पे शांति बना के रहेंगे, इनके बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी, तो इसका फायदा क्या होगा, यहाँ पे लड़ाई कम होगी। इस तरीके से मैं लोकल कमांडर की हेल्प से एक सोल्यूशन यहाँ पे संभव है। इसके साथ ही अहम बात यह की जा रही है कि टाइम टू टाइम जो DGO वगैरह की मीटिंग होती है उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। और इसी के साथ एक अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है चाइना का। देखो जिस तरीके से आपको पता है कि चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है लद्दाख के पास वाला एरिया, जिसको एक्चुअली जिसका नाम क्या एक्चुअली वो कमेंट बॉक्स में बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है वो। तो वहाँ पे आपको बताया कि चाइना की प्रेजेंस है। तो लद्दाख वाले रीजन में होता क्या है कि चाइना है वहाँ, एक साइड तो चाइना की आर्मी है और एक साइड इंडिया की है, बट उन दोनों के बीच में क्या होता है, लोकल कमांडर टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं एक तरीके से। तो मतलब उनके बीच में थोड़ी दोस्ती सी हो गई है, तो उसका काफ़ी हद तक बेनिफिट ये मिलता है कि वहाँ पर लड़ाई नहीं हो पाती। क्यों क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि टाइम टू टाइम मीटिंग हो रही है, एक तरीके से बॉन्डिंग हो, तो भाई वो लड़ाई क्यों करेंगे। जबकि इंडिया और पाकिस्तान वाले सीन में यहाँ पे कुछ उल्टा हो रहा है। तो राइटर के द्वारा कहा जा रहा है कि इसी जो चाइना वाला इशू है ना, मतलब इंडिया और चाइना के जो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे पाकिस्तान के साथ हमें यूज है वो करना चाहिए। इसके बाद में एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे इन्होंने एक साइकिल बताया है कि जो स्टोन पेल्टर या जिसको आप पत्थरबाज कहते हो, और जो टेररिस्ट या जो मिलिटेंट्स होते हैं इनके कॉन्सेप्ट को, कि देखो जो पत्थरबाज और जो मिलिटेंट्स होते हैं इनका एक साइकिल सा चल रहा होता है, इस साइकिल को हमें कहीं ना कहीं तोड़ना होगा। देखो सीन क्या हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, आप देख सकते हो, जैसे इसे आपको थोड़ा एग्जांपल के फॉर्म में बता रहा हूँ कि आर्टिकल में खैर ये चीज़ें नहीं बताई गई हैं, कि देखो जम्मू एंड कश्मीर में सीन ही है कि जैसे जो ही वहाँ पे मिलिटेंट अटैक करते हैं, मान लो कि उन्होंने किसी स्कूल पे अटैक किया या फिर किसी के बच्चों को या किसी के पिता को किसी को भी उन्होंने मार डाला, तो ऑब्वियसली उस फैमिली के मन में एक नफरत आ जाएगी। और ऐसे ही मौके पर अगर इंडियन आर्मी वहाँ पर कोई ना कोई मिशन चला रही है कोई ना कोई उन लोगों को एक तरीके से, तो वहाँ के लोगों का थोड़ा बहुत फंडामेंटल राइट है उनका वायलेट हो जाता है, तो उन लोगों को क्या लगता है कि यार आर्मी हमारे ऊपर सही नहीं करी, आर्मी हमारी दुश्मन है। तो उन लोगों के दिमाग में एक माइंड एक तरह से आप बोल सकते हो गलत मेंटेबिलिटी सेट हो जाती है, और उसके फलस्वरूप क्या होता है, उसी चीज़ का आतंकवादी फायदा उठा लेते हैं। आतंकवादी कहते हैं देखो इंडिया वाले ऐसे हैं, इस तरीके से उनको एक तरीके से क्या है उनको डिमोटिवेट करते हैं और अपनी तरफ अपनी या अपनी साइड करने की तरफ कोशिश करते हैं। तो ये एक वहाँ पर साइकिल चला होता है। उसके बाद होता क्या है, वो लोग एक तरीके से ये आतंकवादियों का साइकिल है वो ज्वाइन कर लेते हैं, और फिर आपको पता है ये सारी प्रोसीजर है, गोल गोल ये साइकिल घूमता रहता है। तो राइटर के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमें जो ये साइकिल है ना इसको तोड़ना होगा, क्योंकि जब तक हम इस प्रोसेस को नहीं तोड़ेंगे ना कि लोग हैं वो क्यों मिलिटेंट्स को ज्वाइन करते जा रहे हैं और फिर मिलिटेंट बन जाते हैं उसके बाद वापस वो लोगों को मोटिवेट करते हैं, तो ये जो साइकिल है इसको कहीं ना कहीं ब्रेक करना होगा। इसके बाद में यहाँ पे काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट दिया जाता है, दो फैक्टर बताए जा रहे हैं कि ये रीजन है इनकी तरफ हमें कौन से की तरफ फोकस है वो करना है। देखो दो फैक्टर होते हैं जब भी कहीं भी कोई लड़ाई होती है, चाहे दो जातियों के बीच में लड़ाई हो रही हो या फिर दो लोग दो आप बोल सकते हो ग्रुपों के बीच में लड़ाई हो, तो उसमें दो चीज़ें होती हैं मैन, एक तो होती है सोशियो पोलिटिकल एस्पेक्ट होता है और दूसरा होता है सोशियो साइकोलॉजी एस्पेक्ट होता है। सोशियो पोलिटिकल एस्पेक्ट का मतलब क्या होगा, राजनीति वाला, तो मतलब उसमें क्या हो जाएगा, जिस तरीके से लैंड वगैरह हुआ या नेचुरल रिसोर्सेज की बात की जाती है या फिर इकोनॉमी वगैरह की बात है वो की जाती है। इसके बाद में बात आती है सोशल साइकोलॉजी एस्पेक्ट की। सोशल साइकोलॉजी एस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, इसमें जिस तरीके से कम्युनिटी के जो सॉफ्ट पावर होती है ना, सेंसिटिव मुद्दे, उन चीज़ों को फोकस किया जाता है। तो अभी पता क्या कर दिया, हमारे देश की गवर्नमेंट है वो इन जो सोशियो पोलिटिकल एस्पेक्ट है इन पर फोकस कर रही है, जबकि वहाँ के जो मिलिटेंट्स या जो वहाँ पे सेपरेटिस्ट हैं वो फोकस करते हैं सोशियो साइकोलॉजी एस्पेक्ट पे। और आपको पता है कि साइकोलॉजी के पास ज़्यादा पावर होती है कंपेयर टू पॉलिटिकल। तो यहाँ पे होता क्या सीन है, वहाँ पे जो वहाँ के सेपरेटिस्ट लोग बोल सकते हो आप या फिर जैसे पाकिस्तान के टेररिस्ट वगैरह हैं, वो क्या करते हैं, लोगों की साइकोलॉजी उसको इफेक्ट करते हैं, लोगों की जो सेंसिटिव चीज़ें होती है ना उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि देखो इंडिया के जो एग्जांपल बता रहा हूँ आपको कि इंडिया के लोग तो ऐसे ही हैं, वो आपको इसी से मतलब प्रेशराइज कर रहे हैं, वो आपको एक मतलब अलग मानते हैं सब कुछ, इस तरीके से वो क्या है मतलब कहीं ना कहीं उनकी आइडेंटिटी को हट करने की कोशिश है वो करते हैं या उनकी सॉफ्ट पावर को टच करने की कोशिश है वो करते हैं। और इसीलिए जो मैक्सिमम लोग हैं वो जो मिलिटेंट वगैरह एक ग्रुप है वो वहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं, जबकि इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट वहाँ पर पॉलिटिकल विल की बातें करती है, जैसे कि वहाँ पर लैंड वगैरह हो कि ये हमारी गवर्नमेंट के अंडर होना चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हम जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को मिलने चाहिए, जबकि ग्राउंड लेवल पर जो कम्युनिटी के टच में है वो वहाँ पर मिलिटेंट्स वगैरह ये ज़्यादा हैं।
तो राइटर के द्वारा ये कहा जा रहा है कि देखो गवर्नमेंट है उसको पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बजाय सोशल एस्पेक्ट की तरफ फोकस करना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए और जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको समझ के उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसमें गवर्नमेंट को अपनी भागीदारी है वो निभानी होगी, मतलब गवर्नमेंट को रियल रूप में वहाँ पर प्रेजेंट होना होगा और रियल रूप में उन लोगों की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उनको अच्छे से इस चीज़ का जो भी उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर करना होगा और इसी के साथ गुड गवर्नेंस पर फोकस करना होगा, क्योंकि ये गुड गवर्नेंस है कहीं ना कहीं साइकोलॉजी एस्पेक्ट का ही एक अहम पार्ट होता है, तो इस पर फोकस करने की जरूरत है। इसी के साथ हमें उन लोगों की साइकोलॉजी चेंज करने की जरूरत है जो कि इस तरीके का माइंड वॉश हो गया है, जिनका ब्रेन वॉश हो गया है, तो इस दिशा में हमें कुछ कदम है वो बढ़ाने होंगे। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल, काफ़ी अच्छे इस आर्टिकल में पॉइंट थे आज के जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। देखो जो आंसर राइटिंग की डिस्कशन मैंने आपको बताया था कि अन अकेडमी की वेबसाइट पर आप फॉलो कर सकते हो, देवेंद्र सिंह के नाम से आईडी है, वहाँ पर आपको सारे लेक्चर्स वगैरह मिल जाएंगे। इसके साथ ही आपको वहाँ पर आंसर राइटिंग मिलेगी, इसके साथ ही आपको पॉलिटिकल लेक्चर भी वहाँ पर अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी वहाँ पर पेड वगैरह नहीं है। तो ये तो आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।